तो ये देखिए मिर्ची की पकौड़ियाँ बन के तैयार है और अब बनाई जा रही है प्याज के पकौड़ी। तो ये देखिए तो दोस्तों यहाँ पे हमने हल्दी को भी सुखाने के लिए रखा है। ये देखिए पिछले साल से पिछले साल की है, तो बोले तो 2022 में निकाली थी हमने हल्दी, 2023 में नहीं निकाली, तो अब इस साल निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए एक गाय मर चुकी है, अब भगवान जाने ऊपर से गिरी या ठंड से मरी, ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये साल मंगलमय हो। तो यहाँ पर देखिए पानी के लिए भी जा रहे हैं हमारे साहब जी। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया मैम। पानी के लिए तो चलिए चलते हैं दुकान खोलने के लिए। और आज का मौसम भी देखिए, नए साल पे एकदम मौसम भी क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास धूप निकली है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और पीली चाय? चाय पी ली, अभी भी मंदिर से आए। अच्छा, और थोड़ा ठंड लग गई तो हाँ तो चाय अभी पीते, मतलब थोड़ा चाय पी लेते हैं। बहुत बढ़िया किया। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर। पूरे हुए दर्शकों क्या को, नाश्ता पूरे पानी? दर्शकों के लिए भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी मामा जी की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखिए भरपूर गांव का, ये देखिए। तो चलिए अब नाश्ता करने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे सोना लाली लोग भी बाहर आ चुके हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल के चला गया था। ये देखिए घास खाने पे लगे हैं। खाओ खाओ, खा भी लिया क्या? तो चलते हैं, अब मिलाते हैं आपको मम्मी पापा लोगों से। वो भी बैठी रखे हैं, नाश्ते के इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन क्या पता आप लोग बोलेंगे कि उनके लिए आपने बोला ही नहीं। बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज बनाई जा रही है नए साल पे पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ बना रही हैं मम्मी जी। तो अभी बेसन को फेंटा जा रहा है, ये देखिए। और आज हम बना रहे हैं प्याज की पकौड़ियाँ। प्याज की बना रहे हो ना? प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च, आलू की ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और मुझे तो प्याज की पकौड़ियाँ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। दाल चावल बन चुका है, तो यहाँ पे अब हम डालते हैं, ये देखिए मिर्ची की पकौड़ी। वाह, तो पापा को मिर्च अच्छी लगती है, तो उनके लिए हम मिर्ची की पकौड़ी बना रहे हैं। और उसके बाद बनाएंगे हम प्याज की पकौड़ी, ये देखिए। तो आप लोग भी आ जाइए पकौड़ियाँ खाने के लिए गर्मा गर्म। तो ये देखिए कितनी अच्छे से पकौड़ी पक रही है, ये देखिए। तो मम्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आ जाओ आप लोग भी नई साल में पकौड़ियाँ खाने के लिए। मिर्च की और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। अच्छा, कभी कभी खाते हैं, वैसे तो अच्छा नहीं लगता है तेल वाली चीज ज्यादा। रिफाइंड में बना रही हूँ मैं। रिफाइंड क्या होता है, हल्का होता है। सरसों का तेल नहीं बना रही हूँ, सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए मिर्ची की पकौड़ियाँ बन के तैयार है, और अब बनाई जा रही है प्याज के पकौड़ी। तो ये देखिए।
तो आप भी आ जाइए गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लेने के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं प्याज के पकौड़े, और इस साइड को बेसन में डाला जा रहा है प्याज। अरे वाह, आनंद ही आ जाएगा इन्हें खा के। तो क्या आपको पसंद है मिर्ची के पकौड़े? मिर्ची तो पसंद है, बाकी चीज तो कहाँ है। और भी मिर्ची है, पकौड़ी भी मिर्ची है। अब पकौड़े बनाने वाली भी पसंद है आपको? हाँ, उसकी झमकार पसंद है। अच्छा, मिर्ची की झमकार। खाना कौन आता? बलूना 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 बढ़िया। जो ब्याह बैठे अभी नहीं आता खाना, नहीं खाई तू ब्याह बैठे। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हमने हल्दी को भी सुखाने के लिए रखा है। ये देखिए पिछले साल से, पिछले साल की है तो बोले तो 2022 में निकाली थी हमने हल्दी, 2023 में नहीं निकाली, तो अब इस साल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे सुखा के स्टोर करके रख देते हैं, और जब हमें ज़रूरत रहती है तो तब इसे कूट के पीसते हैं। और एक बात और दोस्तों कि हम कभी हल्दी खरीदते नहीं हैं, हमारे घर की हो जाती है पूरे साल भर के लिए, तो हम इसे ही स्टोर करके रख देते हैं। तो ये देखिए तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आ रखा हूँ बेदीखाल में। तो ये देखिए पीछे रहा बेदीखाल मार्केट। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, तो ये देखिए दोस्तों बेदीखाल में मैंने पहले के ब्लॉग में भी बताया था कि काफ़ी सारे जानवर छोड़ रखे हैं, और उन्हीं में से एक यहाँ पे मर भी चुका है। तो आपको दिखाता हूँ मैं अभी उसके करीब जाके। ये देखिए अब तो ये घास चर के धूप सेक रहे हैं। ये देखिए कैसे लेट रखे हैं सभी। और यहाँ पर देखिए एक गाय मर चुकी है। अब भगवान जाने ऊपर से गिरी या ठंड से मरी। ये देखिए ओहो, तो आप देख सकते हैं अभी ये गाय मर चुकी है, और कोई यहाँ पे इसे यहाँ से हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखते हैं कितने दिन तक ये यहीं पर रहती है। अब इससे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होगा, यहीं पे अब इसे कुछ भी चीज़ खाएगा तो यहीं पे अब बदबू वगैरह आएगी। और ये देखिए यहाँ पे दूसरी गाय भी आ रखी है उसे देखने के लिए कि ये गाय काफ़ी टाइम से लेट रखी है तो उठ क्यों नहीं रही। तो वैसे आदमियों से ज़्यादा समझदार तो जानवर रहते हैं, मुझे लगता है कि वो भी समझ ही गया होगा कि ये अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो भगवान इस गाय की आत्मा को भी शांति दे। और तो दोस्तों बेदीखाल से भी निकल पड़ते हैं घर के लिए। थोड़ी सी हरी सब्जी ले ली है मैंने, तो देखते हैं आज क्या बनाती है मम्मी। थोड़ी सी शिमला मिर्च ली और थोड़ी सी पालक ले रखी है। तो चलिए तजी तजी आ रखी दे दो, हरी भुज्जी भी खानी चाहिए हरी सब्जी। तो चलिए अब चलते हैं घर, सीधा घर पर ही मिलते हैं। Happy New Year, same to you. Happy New Year, Chej. Happy New Year.
मुरली तेरा कानो मा बजनी ते होली तू नी बतों दे तेरी आंखें बतौनी मेरा बारा सपनी ते होली मेरी माया की मुरली तेरा। तो यहाँ पर देखिए हर्षो चाचा लोग भी आ गए हैं घूम के, पता नहीं कहाँ तक गए थे, और उन्होंने आप लोगों को एक प्यारा सा गाना भी सुना दिया है। तो दोस्तों मैं बेदीखाल से भी आ गया हूँ घर पे, और अब जा रहा हूँ मैं इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक भी मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, यहीं बॉन्ड तक आया हूँ। तो यहाँ पर हम बॉन्ड बोलते हैं इस जगह को, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने कई बार दिखा दिया है लेकिन बॉन्ड के बारे में नहीं बताया होगा। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड बोलते हैं हम, ऊपर को बेदीखाल के लिए चली गई रोड, नीचे को सैतुखाल सैंधार वगैरह के लिए चली गई, और ये वाली जिधर को मैं आ रखा हूँ ये भौराड़ भाखंड को जाती है। और यहाँ पर मामा जी भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी जी लोग भी आ रखे हैं घूमने के लिए, और गांव से दादी जी लोग भी आ रखे हैं। तो ये देखिए हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, नए साल मुबारक हो। हाँ तुम फोट भेजे सब कुछ मुबारक हो है। नमस्ते बोडी, नए साल मुबारक हो। तो साल तो लेगी वेगी क्या बोल तुमने।